राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान द्वितीय चरण में होना है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर चरणदास महंत भी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही शहर भर में नामांकन रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। माहौल बन पाया अभी छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव हो रहा है, प्रथम बस्तर में और द्वितीय चरण में महासमुंद कांकेर और राजनांदगांव, और तृतीय चरण में फिर सात लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ के जो बचे हैं उसका उसमें मतदान होंगे। तो आज मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में, आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का। और